शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सुरंगों के अंदर लाइटें लगाई जाएंगी। पुलों पर सुरक्षा कैबिन बनाए जाएंगे ताकि ट्रेन आने पर हादसों से बचा जा सके। रेलवे DSP पदम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त बैठक में रेलवे सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हादसों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने साल 2020 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मंगलवार को DGP डेस्क देने के निर्देश जारी किए हैं। SP पदी मोहित चावला, कमांडेंट 3 IRBN पंडु सौम्य सावशिवन, SP इंटेलिजेंस संदीप भारद्वाज समेत कुल 88 पुलिस कर्मियों को DGP डेस्क मिलेगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने TGT नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794 और 144 पदों के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 144 पदों में से 143 के लिए अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए हैं, जबकि SC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोटे से पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण एक पद खाली रह गया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा है कि इन पदों के लिए आयोग ने 9156 आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से 8744 पात्र पाए गए हैं। 30 नवंबर 2020 को ली गई लिखित परीक्षा में 6636 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को धर्मशाला में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सहयोग से 1010.60 करोड़ की हिमाचल प्रदेश सफल विविधीकरण संवर्धन परियोजना चरण 2 के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की। CM ने कहा कि फसल विविधीकरण परियोजना का दूसरा चरण प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण के एक सफल मॉडल का प्रसार करना है। 2031 तक परियोजना क्षेत्र में सब्जी उत्पादन क्षेत्र 2500 से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करना है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान विधानसभा से लेकर राजभवन से शिमला शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस पहरा दे रही है। इसके अलावा सम्मेलन में आने वाले VIP के लिए बुक किए गए शिमला के निजी होटलों में भी पुलिस का पहरा है। सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विशेष रूप से भाग लेने पहुंचे हैं। करीब 100 वर्ष पहले 1921 में शिमला में प्रथम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसे सुस्मरण करते हुए अब 100 वर्षों के उपरांत शिमला में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 36 राज्यों की विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रधान सचिव और सचिव भाग लेने पहुंचे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। HRTC कर्मचारियों को 22 नवंबर को 3 महीने का ओवरटाइम, चिकित्सा बिलों की अदायगी और अन्य वित्तीय लाभ देने के लिए सरकार ने 100 करोड़ की ग्रांट मांगेगा। परिवहन निगम संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारियों की मंगलवार को निगम प्रबंधन के साथ हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में 26 तारीख को पीस मील वर्करों को अनुबंध पर लाए जाने पर भी प्रबंधन ने हामी भरी है। समिति के सचिव खमेंद्र गुप्ता ने बताया कि निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों के वित्तीय लाभ देने की हामी भरी है। नाइट ओवरटाइम का पैसा 22 तारीख तक मिल जाएगा। महीने की 1 तारीख को तनख्वाह दी जाने पर भी सहमति बनी है। देश में बढ़ती बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए जन जागरण अभियान के तहत मंगलवार को कुटलैहड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झलेड़ा में प्रभात फेरी निकाली। मंगलवार को सुबह से ही कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस पार्टी के झंडे लेकर निकले और प्रभात फेरी निकालकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जन जागरण अभियान का शुभारंभ जमासनी माता मंदिर बैरी से शुभारंभ किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और जिलाध्यक्ष रणजीत राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बद्दी नालागढ़ फूलेन की जद में आने वाले 25 भवनों के प्रशासन और NHAI ने बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए। उपमंडल प्रशासन की पहली कार्रवाई की जद में आए भवनों में 2 बैंक शाखाओं के भवन, CDPO कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र सहित अन्य रिहायशी और व्यावसायिक भवन शामिल हैं। प्रशासन ने 2 टूक शब्दों में मुआवजा ले चुके फूलेन प्रभावितों को कहा कि अब किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। हर हाल में 1 दिसंबर से पहले सभी भवनों को गिरा दिया जाएगा। बता दें कि उपमंडल प्रशासन ने मुआवजा लेने के बावजूद कब्जा न छोड़ने वाले भूमि और भवन मालिकों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम जारी कर चेताया था कि अगर इस अवधि में उन्होंने अपने भवन या फिर स्ट्रक्चर खुद नहीं गिराए तो 15 नवंबर से प्रशासन और NHAI पुलिस की मौजूदगी में खुद गिराना शुरू कर देगा।
अंतर्राष्ट्रीय श्रेणुका मेला 2021 के चौथे दिन खेल प्रतियोगिताएं मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। महिला वर्ग में कबड्डी का फाइनल मैच स्पोर्ट्स अकेडमी शिलाई बनाम महारानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी लुधियाना जींद हरियाणा के बीच हुआ, जिसमें शिलाई की टीम विजय रही। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर सोनाक्षी सिंह तोमर विशेष रूप से उपस्थित रही। अतिरिक्त उपायुक्त ने मेला परिसर में लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। उपमंडल अधिकारी नाहन और सदस्य सचिव श्री रेणुका जी विकास बोर्ड राजनेश कुमार और तहसीलदार ददाहू चेतन चौहान भी उपस्थित रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से नगर निगम शिमला के सफाई कर्मचारियों को कंबल वितरित किए। रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने भी इस अवसर पर उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस सोसाइटी समय समय पर मानवता की सेवा में कई कार्य कर रही है और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के माध्यम से जरूरतमंदों को 1100 कंबल वितरित किए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।